नमस्कार साथियों, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन जो है बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आज जानेंगे हम लोग डिग्री बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी किस चैप्टर में, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। आज के बाद जो है ये डिग्री बेस्ड क्वेश्चन से आपका जो है क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, जो डायग्राम दो लिखा हुआ है, डायग्राम दो बनाया गया है, इसी दोनों डायग्राम से आपको मैं पूरा जो है डिग्री बेस्ड जो है क्वेश्चन समझा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या है। कल ही मैंने बताया था ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपका जो है ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट उधर हो जाएगा, मतलब जिधर रहिएगा ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। इधर मुड़ जाइएगा तो चेंज हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। सिर्फ चेंज मुड़ने पर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि क्लॉक वाइज बताया था और एंटी क्लॉक वाइज बताया था, मतलब घड़ी की दिशा में अगर चलिएगा तो आप जो है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 चलिएगा, इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलना होगा, चलने के लिए बोला जाएगा, तो 12 से किधर चलना, 11 की ओर, 10 की ओर, 9 की ओर, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा। ये आपका एंटी क्लॉक वाइज हुआ, ये आपका जो है क्लॉक वाइज हो गया। क्लॉक वाइज को अगर हिंदी में देखा जाए तो मिलेगा क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त लिखा हुआ मिलेगा। अगर दक्षिणावर्त चलने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। अगर जो है अगर वामावर्त दिशा में बोलने के लिए चलने के लिए बोला जाएगा तो मतलब कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और आपका दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त चलने के लिए बोला जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और एक बात और मैंने आपको बताया था, मतलब कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट भी बोलेगा, मतलब कि बाएं चलने के लिए बोलेगा तो मतलब क्लॉकवाइज ही चलिएगा। ठीक है, ध्यान से, अगर आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो आपको कहाँ घूमना है, तो राइट की ओर घूमना है या फिर दाएं की ओर घूमना है। दाएं और राइट भी कहेगा तो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज, दाएं राइट कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और जो है बाएं लेफ्ट कहेगा तो क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक मैंने आपको जो है ये जो है बता दिया था बाएं और लेफ्ट वाला, और ये दाएं और राइट वाला मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ से आप जो है डिग्री का क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले डिग्री समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डिग्री मैंने बना दिया है, ये जो है बीच में जो है मैंने ड्रॉ कर दिया है, चार और जो होते हैं, ये तो फोर डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ जो है ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका जो फोर डायरेक्शन होता है। मिडिल में भी जो चार ड्रॉ किए जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन जो बीच में आया हुआ है ये जो है साउथ ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो डायरेक्शन जो गया है ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, कल मैंने बताया था। उसके बाद जो ध्यान रखना है क्या, उसके बाद ध्यान रखना है डिग्री। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी चलेंगे हम लोग तो ये 45 डिग्री चलेंगे, 45 डिग्री चलेंगे, अभी चल रहे हैं हम लोग क्या, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। और अगर 45 डिग्री चलना होगा तो नॉर्थ ईस्ट से जो है ईस्ट की ओर जो है फिर चलेंगे 45 डिग्री। अगर यहाँ से भी ईस्ट से चलना होगा तो यहाँ से जो है हम लोग जो है कहाँ तक, ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक ले, यहाँ तक ले चलेंगे हम लोग तो 45 डिग्री चलेंगे। अगर 3:45 बोला जाएगा चलने के लिए, 3:45 चलिए, क्लॉकवाइज चलिए, दक्षिणावर्त चलिए, तो आपको 3:45 ऐसे घुमाना होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमाना होगा। अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज, यही चीज़ बोला जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाइए 3:45, तो यहाँ से घुमाना होगा आपको जो है ना, मतलब कि जहाँ भी जो है बोला जाएगा रखने के लिए, किसी भी जो है बिंदु को या किसी भी व्यक्ति को रखना रखने के लिए बोला जाएगा, वहाँ से अगर 3:45 घुमाना है, मान लीजिए कोई बिंदु जो है यहाँ पर जो है नॉर्थ पर है, यहाँ से जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज जो है 3:45 घूमना है। फर्स्ट 45 घुमा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक ले, नॉर्थ और इसमें, मतलब नॉर्थ वेस्ट के बीच में से फर्स्ट 45, सेकंड 45 अगर घुमाना होगा यहीं पर तो है, तो नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट की ओर जो है सेकंड 45, थर्ड 45 घुमाना होगा तो एंटी क्लॉक वाइज, तो वेस्ट से लेकर के यहाँ तक ले, यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपका हो गया 3:45 से घुमा सकते हैं। ठीक है, 3:45 मतलब वामावर्त दक्षिणावर्त बहुत खेल है बाबा, इसलिए ध्यान से रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है इसी जो है फिगर पर जो है डिट्टो है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक दिन जो रेखा पूर्व के सम्मुख जो है
खड़ी थी, है ना, पुरु के सम्मुख खड़ी थी। मान ली यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, ये देखिए आपका जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यही ना होता है डायरेक्शन, यही होता है। चलिए मिडिल में भी खींच देते हैं, ये आपका मिडिल में खींच दिए ना, ये आपका क्या होता है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये बताइए ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये बताइए ये जो है नॉर्थ जो है वेस्ट हो जाएगा ना। अब आपको क्या बोल रहा है उस पर फोकस कीजिए। एक दिन जो रेखा जो है पूर्व के सम्मुख खड़ी थी, पूर्व के सम्मुख खड़ी थी मतलब कि इसके सामने खड़ी थी, मतलब कि यहाँ जो ऐसे खड़ी थी, ठीक है, तो यही तो हो गया ईस्ट, ईस्ट पूर्व तो यही हो गया, इधर जो है खड़ी थी, इधर की ओर मुँह करके खड़ी हुई थी, है ना, इधर की ओर मुँह करके खड़ी थी। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि फिर वह जो है 90 डिग्री दाएँ मुड़ती है, दाएँ का मतलब जो है ना एंटी क्लॉकवाइज, दाएँ का मतलब राइट, राइट का मतलब हो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, यहाँ मतलब जहाँ पर अभी है वहाँ से जो है 90 डिग्री दाएँ मुड़ती है, 90 डिग्री दाएँ मुड़ाते हैं, यहाँ से 90 डिग्री दाएँ मुड़ाते हैं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, एक 45 चला गया, एक और 45 चलेंगे तब ना 2 45 होगा 90 होगा, ये 2 45 जो है चला गया, ये आपका जो है 2 45 हो गया ना 90 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि फिर जो है फिर 45 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में जो है मुड़ती है, मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। वामावर्त का मतलब क्या होता है समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज ही फिर बोला जा रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है, मतलब कि अब की बार भी जो है 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। एक बार और 45 डिग्री घुमाते हैं, एक और 45 जो है यहाँ पर घुमा देते हैं, है एक और 45, यहाँ पर तो पहुँचा हुआ था 90 डिग्री मतलब होता है यहाँ पर पहुँचा हुआ था, है ना, यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन पहुँचा हुआ था, यहाँ पर जो है रेखा, जो है रेखा पहुँची हुई थी यहाँ पर, अब जो है एक और 45 जो है घूमी वामावर्त दिशा में तो यहाँ पहुँच गई, अब जो है यहाँ पर जो है पहुंच गई है, इसके सामने जो है पहुंच गई है। उसके बाद क्या है कि फिर वह जो है 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब देखिए दक्षिणावर्त आ गया, अरे दक्षिणावर्त का मतलब क्या, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ पर तो पहुँच गई नॉर्थ वेस्ट पर, नॉर्थ वेस्ट पहुँच गई, यहाँ से 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज तो ये होगा बंधु, 1 45 ये हो गया, 1 45 जो है ये हो गया, पहुंच गया 90 डिग्री ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, एकदम जैसे जैसे कहाँ जा रहा है वैसे वैसे कीजिएगा बन जाएगा आपका क्वेश्चन है। उसके बाद वह अब किस दिशा के जो है सम्मुख है, कौन सी दिशा के सम्मुख पहुंची है, ये यहाँ पर पहुंच गई है ना, यहाँ पर पहुंच गई है, तो यहाँ पर कौन सा दिशा है, यहाँ पर ये कौन सा दिशा दिख रहा है आपको, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, मतलब कि उत्तर जो है पूर्व दिख रहा है, उत्तर पूर्व ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व। दिक्कत हुआ, दिक्कत नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे और जो है आपका जो है हाथ इस पर बढ़ जाएगा। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड एग्जांपल जो है आप देख रहे होंगे, सेकेंड एग्जांपल उसी तरीक़े से है, इसी पर जो है इसी फिगर पर जो है रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा, बचेगा नहीं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, गिरधर, नाम तो कुछ भी हो सकता है, गिरधर एक मंदिर में था, जय हो सरस्वती मैया, है ना, गिरधर एक मंदिर में था और पश्चिम दिशा के जो है सम्मुख था, कहाँ था, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख था। तो पहले जो है हम लोग जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं, रफ में ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लिए, ये तुरंत ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ये नॉर्थ डाल दीजिएगा, ये साउथ डाल दीजिएगा, ये ईस्ट डाल दीजिएगा और ये जो है वेस्ट डाल दीजिएगा। गिरधर एक मंदिर में था और पश्चिम दिशा के सम्मुख था, अरे पश्चिम दिशा के सम्मुख था मतलब पश्चिम किधर है, तो पश्चिम इधर है बंधु, इसको सम्मुख सामने कर दिए, सामने कर दिए, पश्चिम दिशा के जो सम्मुख कर दिए। वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब कितना होता है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज यहाँ से 45 डिग्री कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री, 1 45 डिग्री यहाँ घूम गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि फिर से जो है दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर से दक्षिणावर्त दिशा में मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा में जो है 180 डिग्री, अरे 180 डिग्री का मतलब कितना, 45, तो 4 45, 45 45 90, एक और 45 135 और एक और 45 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 4 45 जो है दक्षिणावर्त दिशा में फिर मुड़ता है।
यहाँ से जो है आपकी बार तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ से 4:45 एक 45 ये हो गया है ना, सेकेंड 45 ये हो गया, थर्ड 45 ये हो गया और फोर्थ 45 जो है ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गया है। अब जो है कहाँ पहुँच गया है गिरधर, यहाँ पहुँच गया है ना, साउथ ईस्ट वाले जो है ना एरिया में पहुँच गया है, मतलब उसके सामने है। अब आगे क्वेश्चन है कि फिर वह जो है वामावर्त दिशा में, अब वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, अरे वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, अरे खेले यही है वामावर्त दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दाएं बाएं यही खेल है। अब जितना खेलिएगा उतना आप पारंगत हो जाइएगा इसमें। एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है ना, वामावर्त दिशा में 45 डिग्री यहाँ पर तो पहुँचा हुआ है, अब वामावर्त किधर होगा, वामावर्त ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, यहाँ से जो है अब 1:45 जो है यहाँ घूमता है, घुमा दिए ना यहाँ, अब जो है कौन सा डायरेक्शन होगा, अब यहाँ के सामने देख रहा है ये, अब ईस्ट की ओर जो है सामने की ओर गिरधर जो है देख रहा है। अब वह जो है की दिशा के सम्मुख है, सामने है, कौन सा दिशा के सामने है, तो कौन सा दिशा के सामने है, ये ईस्ट की ओर सामने है, पूरब की ओर सामने है, ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बिंदु, ये आपका जो है पूरब की ओर हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन जो हैं आप लोग के लिए डेमो थे, अब तीन क्वेश्चन जो है और करवाए जाएंगे, आपकी जो है जो भी तंगी है इसमें आपको जो है पूरा पकड़ हो जाएगा इसमें, यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है और जो है धमाकेदार क्वेश्चन है, सब खेल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का है और वामावर्त जो है दक्षिणावर्त का है, बाएँ लेफ्ट का है और दाएँ राइट का है। ये अब ध्यान रखिएगा, आपका जो है कोई भी जो डिग्री का सवाल जो है गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ मोहिनी, मोहिनी पश्चिम की ओर चली है ना, पश्चिम की ओर चली, एक जो है रफ जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया ना, मिडिल में चार खींच लेंगे इस तरह से। अब जो है मोहिनी जो है पश्चिम की ओर चली, मतलब पश्चिम की ओर चलने का मतलब है पश्चिम की ओर उसका जो है मुख है, मुंह जो है पश्चिम की ओर है, यहाँ जो है इसका कर दिए सामने कर दिए पश्चिम की ओर। उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, 45 डिग्री मुड़ गई दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। अरे दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यहाँ से वो क्लॉकवाइज किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर की ओर होगा क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज जो है यहाँ से 45 डिग्री जो है मुड़ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गए। वह फिर से जो है फिर से 180 डिग्री पर दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ गए, मतलब कि 180 डिग्री का मतलब कितना, 45, तो 4:45 होता है, याद रखिएगा 4:45 फिर से दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज में, यहाँ से फिर से चार जो है 45 लेंगे, 1:45 एक और 2:45 ये तीसरा 45 और ये चौथा 45। अब जो है मोहिनी कहाँ है, तो इसके सामने है, साउथ ईस्ट के जो है सामने है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अंत में वह जो है वामावर्त दिशा में, देखिए वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 270 डिग्री मुड़ गई। अरे भैया 270 डिग्री का मतलब कितना, 45, यही आपको ध्यान रखना होगा। 270 डिवाइड करेंगे हम लोग 45 से, भाग लगा देंगे 6:45 होता है, 6:45 जो किधर घुमाना है, तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ से जो है यहाँ पर अभी है ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, तो ऊपर की ओर होगा एंटी क्लॉकवाइज, 6:45 घुमा दीजिए, देखिए 6:45 ये कितना 45 था, ये 45 1:45 था, 2:45 3:45 4:45 5:45 था, 1:45 और चाहिए हम लोग को, 1:45 और घुमा दिए, यहाँ तक समझ में आ गया, ये छठा 45 है, ये फर्स्ट 45 था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, है ना, ये फिफ्थ था, अब ये जो है 6:45 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, 6:45 में कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गई मोहिनी, तो ये है ना साउथ वेस्ट के यहाँ पर जो है सामने पहुँच गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि मोहिनी का मुख मतलब कि चेहरा फेस अंत में किस दिशा में था, अब की दिशा में है, देखिए साउथ यहाँ है वेस्ट यहाँ है, तो साउथ वेस्ट की दिशा में जो है मोहिनी का मुख है, साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम चमक रहा है ना, बस इसी तरीके से आपको जो है बनाना है। 3 क्वेश्चन हो गए, सबको समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। एग्जाम्पल 4 जो है आपका दिया हुआ है, ये आपका जो है रिविज़न है,
जो पीछे क्लास हुआ है ना उसका रिवीजन है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए है और डायरेक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है क्या कि कमल जो है लक्ष्मी से 10 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है। तो आप लोग को पहले सबसे पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये आठों डायरेक्शन आप खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ये आठों डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या था, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसके मिड में क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके मिड में क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, बस देख लेना है। इसके मिड में क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और इसके मिड में क्या हो जाएगा, ये साउथ जो है वेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे हम लोग करते हैं। कमल जो है, कमल लक्ष्मी से, किससे, लक्ष्मी से, लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है, लक्ष्मी से 10 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम। लक्ष्मी, चलिए लक्ष्मी कहाँ बनाते हैं, लक्ष्मी को यहाँ बना देते हैं, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। लक्ष्मी से है ना, लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पश्चिम, अरे दक्षिण पश्चिम कहाँ है, कहाँ दिख रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है साउथ वेस्ट, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब कि लक्ष्मी यहाँ थी, लक्ष्मी जो है यहाँ पर थी, लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ थी, इसके दक्षिण पश्चिम यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, इस तरह से यहाँ पर जो है 10 मीटर के दूरी पर कौन है, तो ये आपका कमल है, ये दिख रहा होगा, मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर लक्ष्मी थी, लक्ष्मी भी मिडिल में है। अब यहाँ से साउथ वेस्ट में मतलब दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो कमल है, 10 मीटर की दूरी पर जो है दक्षिण पश्चिम में कमल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं, यदि जो है मोहित लक्ष्मी से 10 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है ना, कौन, अब मोहित आ गया है लक्ष्मी से 10 मीटर जो दक्षिण पूर्व है ना, लक्ष्मी से 10 मीटर जो है किधर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, ये जो है यहाँ से जो है कहाँ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये भी 10 मीटर की दूरी पर है, डायरेक्शन जो है ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और कितने मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर है। आपकी बार कौन है, तो मोहित है, दिख रहा है आप सबों को, ये मोहित है आपकी बार में, ये कमल था, अब ये मोहित है, लक्ष्मी से है, लक्ष्मी से जो है, लक्ष्मी से साउथ ईस्ट में कौन है, मोहित है, और जो है लक्ष्मी से ही साउथ वेस्ट में कौन है, तो कमल है, बस इतना ही कह रहा था। अब समझिए ध्यान से है ना, तो मोहित जो है कमल के संदर्भ में किस दिशा में है, मोहित जो है कमल के संदर्भ में, और मोहित के हिसाब से देखा जाए तो कमल कौन सी दिशा में दिख रहा है, ये कौन सी दिशा में है, ये तो ये जो है ईस्ट बताता है, ये जो है कौन सा है, तो ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है ना, मतलब ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट का मतलब जो है पूरब होता है। ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है सी दिया हुआ है, इस तरह से आप जो है मार सकते हैं पूर्व दिशा। ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिग्री का नहीं है, ये आपका जो है डायरेक्शन का है, डायरेक्शन टेस्ट जो है आपसे लिया जा रहा है कि चीज़ें आप लोगों को पता है या आप चीज़ भूल गए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन जो है डाल दिया गया था। एक क्वेश्चन और है 5 नंबर, उसको भी आप जो है इंजॉय कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ सेकेंड का समय ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा, है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप जो है बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ सेकंड का समय ले लीजिए और जल्दी से आंसर बताइए, तो क्या होगा इसका, इसका आंसर जो है जल्दी से बताइएगा क्या होगा, क्योंकि जो है सब जो है आपको डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि डायरेक्शन जो है क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका चारों आठ डायरेक्शन मैंने बता दिया, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है इतना समय देने के बाद आंसर आपका जो है आ गया होगा। देखिए किस तरह से बनाते हैं, पहले तो आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, ये डायरेक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप बना लिए होंगे तो डायरेक्शन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं पहले ड्रॉ नहीं करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या जो है बोला जा रहा है, क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं उसके बाद जो है ड्रॉ करते हैं तो मज़ा आएगा। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे जो हम लोग करेगा, ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेगा, है ना, बिंदु ए बिंदु सी के जो है पश्चिम में 15 मीटर है, अरे बिंदु ए बिंदु सी के, ये सी है, सी के पश्चिम, पश्चिम किधर होगा, अरे पश्चिम किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, पीछे की ओर वेस्ट, देखिए ये है आपका है ना सी जो है, बिंदु ए जो है बिंदु सी के, सी के थोड़ा और इधर करते हैं इसको है ना, इसके जो है वेस्ट में जो है क्या है, ए है, बिंदु ए कर दिए,
कोई दिक्कत नहीं। कितना दूरी है तो 15 मीटर का दूरी है बंधु। उसके बाद बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में, अरे सी के उत्तर में कर दिए है ना, मतलब कि नॉर्थ में कर दिए, नॉर्थ का मतलब ऊपर। कितना 22 मीटर है ये बंधु, ये जो है 22 मीटर है, कौन है, बिंदु बी है। समझ में आ गए यहाँ तक। आगे देखते हैं बिंदु डी, बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर है। बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में मतलब कि ईस्ट में, ईस्ट किधर है तो इधर है ईस्ट। कितना मीटर चलना है, 18 मीटर चलना है। यहाँ से 18 मीटर जो है यहाँ चल जाएंगे, और कौन है यहाँ पर, डी है, 18 मीटर की दूरी पर है। हो गया यहाँ तक। बिंदु ई आगे चलते हैं, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर है। बिंदु ई जो है डी के दक्षिण में, अरे डी के दक्षिण में 11 मीटर है, ये तो 22 है, इसका हाफ करेंगे तो 11 हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका। यहाँ पर बिंदु ई जो है यहाँ पर है 11 मीटर की दूरी पर दक्षिण में है, जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। उसके बाद बिंदु एक्स के बारे में बात कर रहा है ना, बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में, बिंदु एक्स जो है ई के पश्चिम में, पश्चिम का मतलब होता है ये डायरेक्शन ना, ये वाला डायरेक्शन ये आपका वेस्ट हो गया है ना। वेस्ट की ओर चलना है, कितना चलना है, बिंदु एक्स जो है बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर चलना है। ये तो 18 हो गया, यहाँ देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग, जब यहाँ से यहाँ चले हम लोग, यहाँ से यहाँ कवर किए तो कितना कवर कर दिए हम लोग, कितना कवर किए तो 18 कवर किए, और कितना कवर करना बचा हुआ है तो 15 और कवर करना बचा हुआ है। अरे 18 15 33 होता है ना, तो यहाँ तक तो 18 कवर कर लिए, जब यहाँ कवर कर लिए तो और कवर करना है, कितना करना है तो 15 और करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 15 हो जाएगा, ये आपका 18 हो गया यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ तक। अब यहाँ से इधर जो है ये आपका जो है कितना हो जाएगा, ये आपका 18 जो है सॉरी ये आपका जो है 15 जो है मीटर जो है हो गया। समझ में आ गया, 33 बोला था, 18 यहाँ कवर हुआ, अब बाकी बचा हुआ जो है यहाँ कवर हो गया। किसके बारे में, कौन पहुँचता है, तो बिंदु एक्स जो है यहाँ पहुँचता है, बिंदु एक्स जो है ई के जो है ई के वेस्ट में जो है 33 जो है मीटर जो है दूर है, कर दिए 33 मीटर जो है दूर कर दिए। अब आगे आपसे पूछा है कि बिंदु ए बिंदु एक्स के बीच कितनी दूरी है, बिंदु ए और एक्स के बीच, ए यहाँ है एक्स यहाँ है ना, दोनों जो बराबर पर आ गया है, दोनों पैरेलल पर बराबर पर आ गए हैं, ऊपर और नीचे वाला जो दोनों पैरेलल जो है बराबर पर आ गए हैं, मतलब कि यहाँ डिस्टेंस बता दीजिए ए और एक्स के बीच में कितना दूरी है। अरे कितना दूरी दिख रहा है आपको, ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, जो दूरी ये होगा वही दूरी ये होगा, होगा कि नहीं, ये कितना दूरी है, ये टोटल 22 था है ना, हाफ 11 ये हो गया तो 11 बच गया है, जो यहाँ होगा वही वाला पैरेलल वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा उसका समांतर जो है कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा समांतर, मतलब पैरेलल वाला ये दिख रहा है, उतना ही डिस्टेंस जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका जो है 11 मीटर जो है हो जाएगा बंधु। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन जो है डी दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डिग्री का जो है डिग्री बेस्ड जो है आपका जो समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।